लैंसडाउन एक छोटा सा हिल स्टेशन है उत्तराखंड में, जिसके बारे में अभी भी काफी लोगों को नहीं पता। ये जगह ब्रिटिश राज में बनी थी टू केटर द रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर ऑफ द गढ़वाल राइफल। आज भी गढ़वाल राइफल का कमांड ऑफिस यहीं पर है, और आसपास अगर आप देखेंगे लैंसडाउन जाते हुए तो आपको लोग ट्रेनिंग करते हुए, सड़कों पर भागते हुए और यूनिफॉर्म में नजर आ जाएंगे। Welcome back to Travel Tubby. I am Jagruti. और सबसे पहले रिक्वेस्ट, वीडियो में जंप इन करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। इस बार हम लोग थोड़ा सा लंबा ट्रिप ले रहे हैं फैमिली के साथ। हम लोग 7-8 दिन के लिए बाहर हैं। जो हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन हम लोग कवर कर रहे हैं इस लैंसडाउन। हम लोग 2 दिन लैंसडाउन में होंगे। हम लोगों ने अपनी जर्नी देहरादून से लैंसडाउन के लिए करी। रास्ते में हरिद्वार, कोटद्वार और आपका दुगड्डा आता है, और दुगड्डा के बाद लैंसडाउन पहुँचेंगे। अभी हम लोग 1 घंटा ड्राइव करके हरिद्वार में हैं। और देहरादून से लैंसडाउन इज अराउंड 159 किलोमीटर, तो हम लोगों को 4.5 घंटे लगेंगे पहुंचते हुए। मेरे मम्मी पापा पीछे और मैं आपको हरिद्वार दिखाने के लिए रुकी थी, तो अब चलो। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। हम लोग कोटद्वार क्रॉस कर चुके हैं। अभी हम लोग 11 किलोमीटर में दुगड्डा पहुंच जाएंगे, और वहां से अराउंड 20 किलोमीटर आगे लैंसडाउन है। एज ऑफ नाउ मौसम गर्म ही है, कुछ ऐसा ठंडा फील नहीं हो रहा है, बट होप सो लैंसडाउन में जाके ऊपर मौसम बेटर होगा। एंड व्यू काफी बड़े हो रहा है, हमें कॉफी पीने की जरूरत है, हम कॉफी वॉफी पियेंगे। ओके, तो हम लोग ऑलमोस्ट लैंसडाउन पहुंचने वाले हैं। हम खाली 10 किलोमीटर दूर है, और रास्ते में फॉग देखो, पूरा फॉग ही फॉग हो रहा है। बढ़िया, वी चेक इन आवर होटल, हमें काफ़ी देर हो चुकी है। वी फ्रेशन अप और अभी बस हम लोग मार्केट जा रहे हैं थोड़ा बहुत देखने के लिए। बाकी क्या क्या हम लोग एक्सप्लोर करेंगे वो सब कुछ हम लोग कल करने वाले हैं। होटल का टूर मैं आप लोगों को बाद में दूंगी, तो अभी चलते हैं मेन मार्केट यहाँ की। ओके, सो हम लोग लोकल मार्केट आए थे। टू बी ऑनेस्ट देयर इज़ नथिंग मच, यहाँ पे कुछ खाने की दुकानें हैं और नीचे आपको सब बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी, कपड़े और नॉर्मल जो भी शॉप्स वगैरह होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे थोड़ा बहुत खा के और यहाँ से चले जाएंगे, और फिर देखते हैं किसी कैफे वगैरह एक्सप्लोर करेंगे। अगले दिन हमने अपने दिन की शुरुआत करी इस चाय और व्यू के साथ, और हम लोग एक अर्ली मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। मॉर्निंग एवरीवन। ओके, सो आई थिंक वन थिंग दैट यू कैन डेफिनेटली ऐड इन योर लिस्ट ऑफ लैंसडाउन इज अर्ली मॉर्निंग वॉक। बहुत ही सही हो रहा है यहाँ पे। सो जिस ट्रेल पे मैं आई हूँ, इट्स अ स्लाइटली ऑफ बीट ट्रेल, ऐसे कुछ बना हुआ नहीं है, बट अदरवाइज भी पूरे लैंसडाउन में सुबह मौसम काफ़ी सही रहता है। एंड दिस एंटायर प्लेस इज फिल्ड विद ओक ट्रीज। इट्स ऑलमोस्ट 9:15, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, हम लोग रेडी हो गए थे। और जो पहली जगह हम लोग जा रहे हैं, तारकेश्वर टेम्पल, और अभी बारिश हो रही है और विजिबिलिटी लेवल काफ़ी लो है, काफ़ी लो। अभी हम लैंसडाउन से निकले हैं तारकेश्वर के लिए। लैंसडाउन से 4 किलोमीटर पहले ही तारकेश्वर के लिए रास्ता कट जाता है। तारकेश्वर टेम्पल यहाँ से 33 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे एक डाइवर्जन पॉइंट है, अगर आप ऊपर चले जाएंगे तो आप लैंसडाउन पहुँचेंगे, और अगर आप यहाँ से नीचे जाएंगे तो हम तारकेश्वर पहुँचेंगे। और अगर आप यहाँ पे बारिश में आ रहे हो तो अपना छाता रखना मत भूलना, बिकॉज हल्की हल्की बारिश और बीच बीच में तेज़ बारिश भी होती रहेगी। सो बी प्रिपेयर्ड।
वी हैव ऑलमोस्ट रीच, हम लोग 5 किलोमीटर दूर हैं। तो यहाँ पे एक जगह पे व्यू इतना ज़्यादा प्यारा हो रहा था, तो मैंने फ़ोन लगाया है अपना टाइम लैप्स रिकॉर्ड करने के लिए, और रुको तो मैं तब तक मैं व्यू दिखाती हूँ। हो गया तो मैंने अपनी जैकेट निकाल के पहन ली है। बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं है, पूरा रास्ता खाली है, खाली हम लोग हैं यहाँ पे, पूरा खाली है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। सो हम लोगों ने टेम्पल विजिट कर लिया है। इट विल टेक यू अराउंड 40 मिनट्स टू एक्सप्लोर अराउंड, क्योंकि आने का और जाने का थोड़ा सा ट्रैक भी है, आई थिंक 15 मिनट्स का। काफ़ी सुंदर बना हुआ है, पूरे पेड़ ही पेड़ हैं बढ़िया। पर अब बस हम लोग वापस निकल रहे हैं, क्योंकि हमें पहुंचने में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वापस अगेन 33 किलोमीटर्स टू गो। और फिर लैंसडाउन जाके वापस हम लोग टिप एंड टॉप जाएंगे और एक दो कैफेज एक्सप्लोर करने वो करेंगे। टेम्पल विजिट करने के बाद हम लोग अपने होटल वापस आ गए, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, पूरी रात बारिश होती रही, इसलिए मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया था। हैंड्स डाउन में सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो हम लोग कहीं जा नहीं पाए। अभी भी बारिश हो रही है पर काफ़ी धीरे हो चुकी है, तो हम लोग घर से निकले और आज हम लोग कवर कर रहे हैं टिप एंड टॉप, जो एक व्यू पॉइंट है। उसके अलावा हम लोग दो कैफेज और एक और चर्च कवर करेंगे, तो लेट्स गो। सो टिफिन टॉप आने के लिए एक माइनस ही एंट्री फीस है 20 रुपीज़ की, और वहाँ से 100 मीटर्स ऊपर आके आपका व्यू पॉइंट है। ओके सो दिस इज़ द फाइनल व्यू पॉइंट। नीचे अभी थोड़ा सा फॉगी हो रहा है, पर बाकी बहुत सुंदर हो रहा है। हल्की हल्की बारिश अभी भी हो ही रही है, और थोड़ी देर हम वेट करेंगे कि मौसम थोड़ा क्लियर हो जाए, तो मैं आपको नीचे से व्यू दिखा पाऊँ। ओके सो हम लोग ट्रिप एंड ट्रैवल कैफे आ गए हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैफेज हियर। द थिंग इज़ कि आप प्लीज़ गाड़ी ऊपर ही खड़ी करके आना, हम लोग नीचे ले आए हैं। आई थिंक पार्किंग ऊपर ही है, मेंशन नहीं है, बट गाड़ी ऊपर ही खड़ी करके आना, नीचे तक मत लेके आना, बिकॉज मुड़ने में दिक्कत होगी। ओ अनफॉर्चुनेटली द कैफे इज़ क्लोज, आई डोंट नो, मे बी थर्सडे को सब कुछ बंद है यहाँ पे, बट एनी वेज अगर आप लोग आते हैं तो आप इस कैफे आ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं विजिट नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने अब आगे निकलना है। सो एक ये कैफ़े है, इसके अलावा एक उल्लास कैफ़े है,
जो आप विजिट कर सकते हो। ओके, सो हमारी गाड़ी वहाँ पे थोड़ी स्टक हो गई थी नीचे, रोड इज नॉट दैट ईजी, आपको वापस पूरी पैक करते हुए लानी पड़ेगी और हम लोग नहीं कर पाए। एंड लकीली जो कैफे के ओनर थे वो उस टाइम पे वहाँ पे आ गए एंड ही हेल्प अस आउट बिकॉज उनका रोज का है, सो ही काइंड ऑफ नोज हाउ टू गेट इट डन। तो आओगे तो ऊपर ही खड़ी करना। एनीवेज कैफे वॉज क्लोज बट ही ऑफर्ड अ कप ऑफ टी। तो हम लोग जा रहे हैं, अभी कार हमने पीछे खड़ी कर दी अपनी। लेट्स ये भी बोल दे, मेरा हेल्पर भी साथ साथ छाता लेके चल रहा है। मेरा हेल्पर भी साथ साथ छाता लेके चल रहा है। कैफे इज रियली रियली ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड एंड इनके पास एक पूरा विंटेज कलेक्शन है फॉर सेलिंग स्टफ ऑल्सो एंड दिस एंटायर पोर्शन इज योर सिटिंग एरिया बट दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। Okay, that's all from Lansdowne. I will 100% recommend to visit this cafe. A, the view is really nice. Second, the people around are really nice. And now we are heading to Jim Corbett. Jim Corbett mein hum log ek stop lenge and then we'll be heading to our next location.